Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. हेलो दोस्तों, आज हम एक कनेक्शन है जो कि दो रिले से होगा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के लिए। तो ये कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट में था कि इसके कनेक्शन को बतलाएं कि दो रिले से कैसे किस तरह से ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का कनेक्शन होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बतला दे रहे हैं। ये जो स्टेबलाइजर है 140 वोल्ट से 280 वोल्ट के बीच जो इनपुट होगा उस पर काम करेगा, ठीक है। इसके ट्रांसफार्मर का जो है वाइंडिंग कुछ इस तरह से होगा। टर्म तो मैं नहीं बतला रहा हूँ, यह ऐसे एक आपको आइडिया दे दे रहा हूँ। जैसे ये यहाँ से कॉमन हो गया, ये प्राइमरी स्टार्ट हुआ वाइंडिंग, और यहाँ फर्स्ट लूप निकल गया, ठीक है। फिर ये वाइंडिंग सेकंड लूप निकल गया, और ये थर्ड लूप निकल गया। इसमें तीन ही लूप निकलेगा। इसमें जो कनेक्शन होगा, रिले के बारे में हमने वीडियो डाला हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। रिले के अंदर जो पॉइंट होता है, एक होता है NC और एक होता है NO और एक होता है कॉमन, जिसको कि आप P भी कह सकते हैं या कॉमन, ठीक है। तो एक ये रिले हो गया R1, और दूसरा रिले भी हम इंडिकेट कर दे रहे हैं NC, NO और ये जो हो गया P यानी कॉमन। ये हो गया R2 यानी सेकेंड रिले हो गया। तो ट्रांसफार्मर का जो एक नंबर लूप है वो एक नंबर रिले के NC पर आएगा, यानी इस NC पर ये कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा जो है लूप सेकेंड रिले के NO पर कनेक्ट होगा, सेकेंड रिले के NO पर चलाएगा, ठीक है। और थर्ड जो है वो सेकेंड रिले के NC पर चलाएगा। ये तीसरा लूप जो है, देखिए ओवरफ्लो यहाँ से हम कर दिए, यहाँ NC पर चलाया। और ये जो NO है, फर्स्ट रिले का NO और सेकेंड रिले का NC, ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएगा। ये दोनों NO NC आपस में शॉर्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ जो P है यानी कॉमन है, यहाँ से हम इनपुट सप्लाई यहाँ से लेंगे इनपुट, ठीक है। यानी इनपुट वोल्टेज 142 280 मिलेगा, तो यहाँ 220 ये इस P से आउटपुट करेगा, यानी यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। इस तरह से आप दो रिले के द्वारा ये कनेक्शन आप कर सकते हैं, और ये 140 से 280 वोल्ट के बीच के लिए ही ये रिले काम करेगा। ये ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है वो इसी के हिसाब से होगा, 140 to 280 वोल्ट के लिए, और ये दो रिले से आपका ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करेंगे। धन्यवाद।